Hi, good morning students. How are you? Fine? Okay. Now, today we learn first revision. Okay? So, look here. Look, revision. Standing line. Which line? Standing line. So, ye kya hai? Standing line. How to write standing line? Dekho, only ek aisi line ki. Standing line. Standing line. ओके नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन तो कैसे लिखते हैं स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ओके एक बार सिखाता हूँ आपको स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ओके नाउ टुडे वी लर्न स्लैंटिंग लाइन ओके नेक्स्ट लाइन स्लैंटिंग लाइन आज हमको क्या सीखना है स्लैंटिंग लाइन सीखना है ओके तो सो लुक हियर हाउ टू राइट स्लैंटिंग लाइन कैसे लिखते हैं स्लैंटिंग लाइन हाउ टू राइट देखो ऐसे लिखते हैं स्लैंटिंग लाइन ओके तो ये कैसे लिखते हैं स्लैंटिंग लाइन हाउ टू राइट स्लैंटिंग लाइन इजी देखो टीचर आपको डॉट करके देगी तो आपको ईजी हो जाएगा ओके तो क्या करना है ये डॉट पे सिर्फ ऐसे डॉट डॉट को ज्वाइन करना है ज्वाइन द डॉट्स डॉट डॉट को क्या करना है इसे सिर्फ ज्वाइन करना है ओके इजी है ना सबके लिए ओके ये हमारे बुक में नहीं है मंथ बुक में तो हमको क्या करना है एक प्रैक्टिस के लिए घर पे एक बुक लेके उसमें हमको प्रैक्टिस करनी है ओके तो सब प्रैक्टिस करेंगे ना स्लैंटिंग लाइन की डन ओके Now today we learn month 1 book day 9. Day 9. Okay? Day 9 sikhna hai aaj. Kya hai yahan pe? Write the letter E. E likhna hai yahan pe. Dekho yahan pe dikha hai aapko. Write the letter E. E for elephant. E for eggs. E for eyes. E for elbow. Okay? E for ears. ओके सो आपको ई लिखना है लेटर ई लिखना है तो यहाँ पे देखो दिया है डॉट दिया है तो क्या करना है ओनली ट्रेस करना है और नीचे जो बॉक्स दिए इसमें डॉट नहीं दिए तो कैसे लिखना है हमको फॉर्मेशन में लिखना है ओके सो हाउ टू राइट ये देखो कैसे लिखना है ओके लेटर ई ओके कैसे लिखना है रेड लाइन ब्लू लाइन एंड रेड लाइन तो रेड लाइन से लेके ब्लू लाइन तक क्या करना है एक स्टैंडिंग लाइन वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन टू एंड थ्री स्लीपिंग लाइन इजी है ना ओनली वन रेड लाइन टू ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन ब्लू लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन एंड नेक्स्ट ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन रेड लाइन टू ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन करके सिर्फ थ्री स्लीपिंग लाइन बनानी है तो ये क्या होता है लेटर ई ओके स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन और एक बार ओके स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ओके इजी है ना डन तो आपको क्या करना है यहाँ पे ये लिखना है ओके वेरी गुड तो सबको करना है और फॉर्मेशन में करना है ओनली रेड लाइन टू ब्लू लाइन ही लिखना है ओके डन वेरी गुड नेक्स्ट पेज मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स नंबर फोर नंबर फोर देखो यहाँ पे नंबर फोर दिखा है ना और क्या ही है व्हाट इज दिस कैट्स है तो हाउ मेनी कैट्स काउंट करना है वन टू थ्री एंड फोर हाउ मेनी कैट्स फोर कैट्स ओके तो यहाँ पे क्या किया है ट्रेस द नंबर फोर ओनली क्या करना है ट्रेसिंग करना है तो पहले कैसे लिखना है स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन वन स्टैंडिंग लाइन ओके तो यहाँ पे इजी है सबको आना चाहिए ओके आएगा सबको ओके प्रैक्टिस करना है सबको तो यहाँ पे क्या करना है वन स्लैंटिंग लाइन One sleeping line and standing line. Okay, so look here. Number four.
Which number? Number 4. How to write number 4? Number 4 कैसे लिखना है? तो number 4 कैसे लिखना है? चलिए डॉट करके दिए, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे डॉट डॉट को एक ज्वाइन करना है. स्लैंटिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन ज्वाइन द स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. ओके, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. Slanting line, sleeping line, standing line. Slanting line, sleeping line, standing line. Slanting line, sleeping line and standing line. तो ये क्या होगा? Number 4. तो यहाँ पे क्या दिया है? Ball दिखा है. क्या आपको? तो one ball, 1, 2, 3, 4 count करना है आपको. Okay? 1, 2, 3, 4. Number 4. Okay, done. Very good. Turn the page turn करना है. Wow, देखो यहाँ पे कितने 4 number लिखने अभी है ना सबको. तो ये हमारा homework है. Okay, तो this is your classwork and this is your homework. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. तो ये क्या बनता है यहाँ पे? नंबर 4 बनेगा. ओके, एंड दिस पेज, ये भी क्या है? होमवर्क. राइट द लेटर ई. लेटर ई लिखना है. तो डे 9 इज कंप्लीट. ओके ओके, सो नेक्स्ट और क्या करेंगे आज? आज हम लोग अभी 2 पोएम करेंगे. ओके, हिंदी पोएम करेंगे. ओके, तो सबको आपको रिपीट करना है मेरे साथ. ओके, तो फर्स्ट पोएम लुकिए, कौन सी? बारिश आई की पोएम करेंगे. ओके, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम. Very good. और एक पॉइंट. ओके, नेक्स्ट मछली. फिश करो सब लोग, चलो फिश करो. फिश कैसे कर रहे? फिश करो, फिश करो, फिश करो, फिश करो. क्या सबने फिश किया? ओ वाह, वेरी गुड. सबको आता है फिश करने के लिए ना. चलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी. वेरी गुड, गुड. अभी सबको क्या करना है? डेली ओरल करना है. एक तो फर्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट पोएम. तो कितने पोएम हो गए आज तक हमारे? 5 पोएम्स हो गए. 1 ABCD पोएम, ट्विंकल ट्विंकल पोएम, रोली पोली पोएम और बारिश आई एंड मछली जल की रानी है. तो 5 पोएम्स आपको डेली ओरल करना है और माई सेल्फ करना है. सबको आता है ना माई सेल्फ? एक बार बोलेंगे आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. माई सेल्फ, तो गर्ल गर्ल बोलेंगे, बॉय बॉय बोलेंगे. ओके ओके, आई एम अ गर्ल, माई नेम मीन्स. आपका आपको नाम बोलना है, सबको अपना अपना खुद का नाम बोलना है. माई नेम इज शयान, माई नेम इज देवांशी, माई नेम इज शिवम. सबको अपना अपना नाम बोलना है. ओके, माई नेम इज अमृता. ओके, सो नेक्स्ट लाइन क्या है? आई एम, आप कितने इयर्स के हो? आई एम 3 इयर्स ओल्ड. तो आपको कैसे बोलना है? आई एम 3 इयर्स ओल्ड. आई स्टडी इन नर्सरी क्लास ए. आई स्टडी इन नर्सरी क्लास ए. और एक लाइन क्या है उसमें? माई स्कूल नेम. हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, अभी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो स्कूल नेम क्या है आपको पता है? अपने स्कूल का नाम क्या है पता है? ओके, तो मैं आज बताती हूँ. ओके, माई स्कूल नेम इज लव एंड केयर किंडरगार्टन स्कूल. My school name is Love and Care Kindergarten School. Thank you.
ओके बाय, सी यू टुमारो, गुड बाय बाय बाय।